अस्सलाम वालेकुम। मासूमाना सवाल तो मैं आपसे हमेशा करता हूँ, लेकिन आज मासूमाना सवाल के साथ साथ मासूमाना जवाब भी है। अगर आपके पास एक गाड़ी है और आपने उसको बेचने का फैसला कर लिया, तो आप क्या करेंगे? किसी सोशल मीडिया साइट पर जाएंगे, पोस्ट करेंगे, किसी डीलर के पास जाएंगे, अखबार में ऐड देंगे, और उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो एट टाइम्स कभी कभी बड़ा अनकंफर्टेबल भी कर सकता है आपको। यानी कि आपके टेलीफोन पर कॉल्स का डाटा बन जाएगा, उसमें कुछ सीरियस बायर्स भी होंगे, कुछ सीरियस बायर्स नहीं भी होंगे, हर कोई अपनी अपनी प्राइस लगा रहा होगा। खासतौर पर खवातीन के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो ऐसी सूरत में काफ़ी मुश्किल पैदा हो जाती हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस सारे झमेले से आप निजात पा सकते हैं बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में, कि जिसके बाद आपको यकीन होगा कि न सिर्फ कि आप किसी मुश्किल में नहीं पड़े, बल्कि आपकी गाड़ी की बेहतरीन कीमत लगाई गई है, जदीद तरीके से लगाई गई है, और अगर आप उस कीमत से मुतमईन हैं तो अगले 45 मिनट में रकम की अदायगी हो जाएगी। तो क्या आप यकीन करेंगे मेरी इस बात पर? आई नो इट्स टू गुड टू बी ट्रू, बट इट इज ट्रू। आपके तमाम तर मसाइल का हल है वावा का, यानी कि आपने इस टेलीफोन नंबर 111-8282-11 पे कॉल करनी है, या इस वेबसाइट www.wawa.cars को विजिट करना है, अपॉइंटमेंट लेना है, और वावा कार्स के कराची में 6 कस्टमर सेंटर्स हैं। अपने करीबी कस्टमर सेंटर में आपने अपनी कन्वीनियंस के टाइम पे विजिट करना है, चाय पीनी है, कॉफी इंजॉय करनी है, और इस दौरान आपकी आंखों के सामने आपकी कार का वावा कार के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ एनालिसिस कर रहे होंगे। विद इन नेक्स्ट 45 मिनट्स आपके हाथ में कंप्यूटराइज रिपोर्ट होगी आपकी गाड़ी की, और ये सारे का सारा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर आपको वावा कार्स का अमला बेहतरीन ऑफर करेगा। और अगर वो ऑफर आपको समझ में आती है तो अगले 10 मिनट में पेमेंट आपके पास होगी। यही नहीं, बल्कि अगर आप यहाँ आना नहीं चाहते तो आप इसी नंबर पर कॉल करके ऐसी वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट लेकर वावा कार्स के अमले को भी अपने घर पर बुला सकते हैं। यही नहीं, बल्कि अगर आप वावा कार से गाड़ी खरीदना भी चाहते हैं तो आप अगेन इसी नंबर पर कॉल करके वावा कार्स का शोरूम विजिट कर सकते हैं। वहां पर सारी वावा सर्टिफाइड कार्स होंगी, तो अगर आपके पास कोई ऑर्डिनरी कार है और उसके मुकाबले में एक वावा सर्टिफाइड कार है, सो यू हैव वन मोर एडिशनल रीजन टू बाय दैट कार, इसलिए कि वो गाड़ी इस सारे के सारे प्रोसेस से होकर गुजरी होगी। इसमें ह्यूमन एरर का जो मार्जिन है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, या किसी भी बंदे का डंडी मारने का मार्जिन भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो असल सिचुएशन है वो कोई बंदा नहीं बता रहा, बल्कि डिवाइसेस आपको बता रहे हैं। उस सिचुएशन की बुनियाद पर एक कंप्यूटराइज रिपोर्ट बन रही है, अगेन कोई बंदा नहीं बना रहा रिपोर्ट, बल्कि कंप्यूटराइज रिपोर्ट बन रही है, और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर आपकी गाड़ी की बेहतरीन ऑफर आपको पेश की जा रही है। तो जाते जाते मेरा आपको मासूमाना मशवरा यही है, अगर आपने कार से मुताल्लिक कोई भी फैसला करना है तो किसी बेकार के झमेले में पड़ने के बजाय कार आमद फैसला करें, वावा कार जाएं।